अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। फ्रीडम वो होता है जहां पे हम जिंदगी मींस खुल के जी। जी मैं फोटोग्राफर हूँ। तुम हमारा मॉडलिंग का फोटो शूट निकाल लेना। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं वो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। वो फिल्म एक्ट्रेस हैं, थिएटर एक्ट्रेस हैं और एक अच्छी ऑथर भी हैं, और लगभग 4 डेकेड से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और वो हैं द वेरी टैलेंटेड सुष्मिता मुखर्जी। बहुत टेस्टी है पद्दू, बहुत। तुम्हारे हाथों में जादू छे, पर्स खाएगा ना तो खुश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गीता बेन। गीता बेन नहीं हो, मुझे सिर्फ मिस गीता पटेल कहो ना। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। द फूड एंड बेवरेज अरेंजमेंट्स फॉर टुमारोज़ इनॉग्रेशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ। आई विल सी इट लेटर। सर ये पद ने इडली बनाया, जरा टेस्ट करिए सर। आप टेस्ट कर लीजिए। आपने मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार भी नसीब होने नहीं दिया। मैं चाहती थी समीर को आखिरी बारी सही अपने कलेजे से लगा दी, अपने गोदी में लिटा दी। 20th अगस्त को पैदा हुई थी सुष्मिता कोलकाता में एक बंगाली परिवार में। उनके पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सुष्मिता ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की जीसस एंड मैरी कॉलेज जो दिल्ली में है। कॉलेज के डेज में ही वो कॉलेज के प्लेज में हिस्सा लिया करती थी। उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने NSD ज्वाइन कर लिया, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, और 1983 में उन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा भी ले लिया। इसके बाद वो फिल्मों के लिए स्ट्रगल करने लगी। उन्हें फिल्में तो नहीं मिली, हाँ अलबत्ता उन्हें एक बहुत अच्छा सीरियल मिल गया, टीवी सीरियल। वो सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ। सीरियल का नाम था करमचंद, जो आया था 1985 में। करमचंद का रोल प्ले किया था मशहूर एक्टर पंकज कपूर ने, और उनकी असिस्टेंट का रोल प्ले किया था सुष्मिता ने, और उस कैरेक्टर का नाम था किटी, और किटी नाम से सुष्मिता बहुत फेमस हो गई। करमचंद के बाद उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई, वो एक आर्ट फिल्म थी। फिल्म का नाम था ये वो मंजिल तो नहीं, जो आई थी 1987 में, और इसके डायरेक्टर थे सुधीर मिश्रा। असल में हुआ क्या था मुझे सारे फैक्ट्स बता सकते हो? उन्होंने 5 मजदूरों को उठाया और छोंक दिया भट्टी में। ऐसे हड़ताल तोड़ने के लिए उन्होंने जिंदा इंसानों को आग में छोंक दिया। ये आर्ट फिल्म के बाद सुष्मिता अब कमर्शियल फिल्म्स करना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए। वो फिल्में थी मैं जिंदा हूँ, प्रतिकार, घर जमाई और खलनायक। खलनायक जी। कहो खलनायिका। ये बताइए कि टीनी की शादी की बात आप राम से कब करेंगे? करूंगा करूंगा करूंगा। करेंगे क्या, खाक करेंगे? उधर राम गंगा से फोन पे बात कर रहा है नासिक। इन फिल्मों के बाद भी सुष्मिता ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, और वो फिल्में थी रुदाली, आदमी खिलौना है और गीतांजलि। लेकिन उन्हें असली रिकॉग्निशन मिली 1993 में, जब उनकी एक फिल्म आई किंग अंकल, और इस फिल्म में सुष्मिता ने जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था। तो फिर सारी कुतिया कहाँ चली गई होगी? अशोक बंसल के घर तो नहीं गई? वहां कैसे जा सकती है, वो तो खुद ही उसे यहाँ आकर के फेंक गया। तो फिर मिस्टर अशोक बंसल, अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी अनाथ पर तरस नहीं आएगा तुझे। फिल्मों के साथ साथ सुष्मिता ने कई बड़े बड़े सीरियल्स में भी काम किया है, और वो सीरियल्स थे कहीं किसी रोज, तारा, काव्यांजलि और बालिका वधु। सुष्मिता हर फिल्म में अपना बेस्ट दे रही थी। वो कहती हैं कि कैरेक्टर एक्टर
कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो उतना नोटिस नहीं हो पाता है जितना मेन एक्टर्स नोटिस होते हैं। वो कहती हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा रोल मिला जो लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत पॉपुलर हुआ, और वो फिल्म थी गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो आई थी 2006 में, और ये एक कॉमेडी फिल्म थी। ओ, अब आप अपनी मिलिट्री गिरी छोड़ दीजिए। मेरा पोता इतने सालों के बाद आया है, उसे सांस तो लेने दीजिए। आजा, आजा बेटा, आजा। गोलमाल फन अनलिमिटेड के बाद सुष्मिता ने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे खोया खोया चांद, मस्ती ज़्यादे, 1920 लंदन, और क्या कूल है हम 3। तुम मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ इस सकरू के साथ। दोस्तों, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि सुष्मिता मशहूर कॉमेडियन केशव मुखर्जी की बेटी हैं और एक्टर बबलू मुखर्जी की बहन, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सुष्मिता का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अलबत्ता सरनेम सेम है, मुखर्जी। दोस्तों, हम आपको बताएं कि सुष्मिता ने 2 शादियां की। पहली शादी उन्होंने की 1978 में, जब वो बहुत यंग थी, और उनके पति का नाम था सुधीर मिश्रा, जो एक मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर है। लेकिन अफसोस, कुछ वक्त के बाद उनका डिवोर्स हो गया। सुष्मिता ने दूसरी शादी की 2009 में, उनके पति का नाम है राजा बुंदेला, और वो भी एक मशहूर एक्टर हैं और एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि सुष्मिता ने रिसेंटली यानी 2021 में एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है बांझ, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कम्प्लीट वुमेन। दोस्तों, आजकल सुष्मिता मुंबई में रहती हैं, अपने करियर और अपने परिवार को लेकर बहुत खुश हैं। वो बहुत एक्टिव हैं, फिल्म्स कर रही हैं, सीरियल कर रही हैं और वेब सीरीज भी कर रही हैं, और कहती हैं, एक्टिंग इज माय पैशन, और जब तक मैं जिंदा हूं काम करती रहूंगी। ऑल द बेस्ट सुष्मिता। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।